अब हम जाएंगे अब लंगर छोटे गुरुद्वारे। सॉरी भगवान, ज्यादा भूख लगी है। नहीं नहीं भूख नहीं लगी, मैं तो ऐसे कह रही हूँ। ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा बहुत मजाक उड़ा रही है, जाके बताऊंगी मैं। हम वहाँ पे बंदर बन जाएंगे, बंदर। सॉरी बंदरिया। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? निगम्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हुआ क्या था, रात को ना कम से कम 1 बजे के आसपास की बात है, इनको एसी चल रहा था, एसी में भी काफ़ी ना इनको पसीने और घबराहट सी होने लग गई, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया। तो मैंने तभी की तभी अपने मेरे नेबर हैं उनको फटाफट उनको कॉल करा, वो आए तो हमें हॉस्पिटल उनको लेके जाना पड़ा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन थोड़ी देर में फिर मैंने अपने देवर को, इनके मतलब इनके छोटे भाई मेरे देवर, वो आ गए थे, हमारे कुछ नेबर थे वो भी हमारे साथ थे, तो फिर डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, तब जाके थोड़ा सा इनको रिलीफ लगा। लेकिन अगले दिन इनको फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, तो फिर हम इन्हें हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके गए कि ऐसा क्या हो रहा कि अगले रात को भी ऐसे हुआ, फिर दोबारा ऐसे हुआ। तो काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह हुए इनके, तो उनमें से काफ़ी सारे जो टेस्ट है वो तो नॉर्मल आ चुके हैं और अभी इनकी तबीयत में भी काफ़ी ज़्यादा आराम है। अब मेरे माइंड से इतना स्ट्रेस ख़त्म हुआ है ना, काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी मैं उस टाइम पर, पूरा वीक मेरा इतना स्ट्रेस में गया है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे बच्चों ने मेरे को बहुत हेल्प करी, बच्चों ने, मेरे देवर ने, मतलब मेरी पूरी फैमिली और मेरे नेबर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अब इनको काफ़ी रिलीफ है पहले से, इसलिए मैं आपके सामने आज दोबारा से ब्लॉग बनाने आई हूँ, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी टेंशन भी कम हो गई है, ये तो बीच में तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। साथ में कुछ वीडियो भी बनी हुई थी जो एडिट नहीं हो पाई, लेकिन जल्दी ही वो वीडियो भी आपके सामने एडिट होके आ जाएगी। लेकिन इनके बीमार होने से पहले हमारी जो मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं यहाँ पर, हम सब ने प्लान बनाया था कि हम गुरुद्वारे जाएंगे, लेकिन हमारे जाने से पहले ही बीमार हो गए, तो हमारा वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया। तो सबने कहा कि नहीं, फिर मैंने बोला भी, मैं कहा आप चले जाओ क्योंकि मेरी वजह से क्यों कैंसिल कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप जाओगे तो हम सब चलेंगे, एक नहीं जाएगा तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। तो आज हमारा प्लान बना है वहीं जाने का, ए बी मिस्ट्री वगैरह हम सब जा रहे हैं, ये थोड़ा आराम कर रहे हैं, कह रहे ठीक है तुम घूम कर आ जाओ। और गुरुद्वारे के साथ साथ हम जाएंगे पार्क में भी, क्योंकि हम ना अभी 2 दिन पहले, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इनको थोड़ा घूमे पार्क में भी घूमे, हम 2 दिन पहले गए थे पार्क और वहाँ पर मुझे दिख गया शहतूत का पेड़, तो शहतूत तो वैसे भी अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और वहाँ हमने खाए थे शहतूत और मैं लेकर भी आई थी घर पे, तो मैंने सबको बोला है जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कहा गुरुद्वारे तो जाएंगे जाएंगे, पार्क में भी ज़रूर जाएंगे, आज मैं उन सबको भी लेके चलूँगी उस वाले पार्क में। सब नीचे आ चुके हैं, सब मेरा ही वेट कर रहे हैं, मैं कहा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ, थोड़ा आपको बता दूँ कि क्या हुआ था बीच में, क्या नहीं हुआ था। तो अब सब नीचे हैं तो चलते हैं नीचे, सब वेट कर रहे हैं हमारा। बस अब मैं इनको देखती हूँ, इनको खाना तो मैं दे चुकी हूँ, अब ये आराम कर रहे हैं। ठीक है तबीयत? हाँ तबीयत ठीक है। और जा रहे हो तुम गुरुद्वारे? गुरुद्वारे पर चलो। नहीं नहीं ठीक है, हो कर आओ। दोस्तों पिछले हफ्ते तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा रिकवर कर चुका हूँ, काफी हद तक 80% रिकवर हो चुका हूँ, और बस आप सबकी दुआओं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जल्दी पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा। और ये आज जा भी रहे गुरुद्वारे, तो इनके लिए प्रार्थना भी करूंगी, भगवान जी अच्छे से ठीक हो जाएगा, सबको जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, अब तुम हो कर आओ, ठीक है ना? हाँ, आते हैं थोड़ी एंजॉय करो और तुम्हारे लिए चिंता मत करो, तुम्हारे शहतूत लेकर आऊंगी मैं। ठीक है ठीक है। हाँ ये शहतूत भी लेकर आ रहे हैं, इनको बहुत दिन हम गए, एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था थोड़ा सा घूमने के लिए, तो एक पार्क में गए तो वहाँ पर शहतूत का पेड़ था, बहुत शहतूत लगे हुए थे उसपे और बहुत मीठे। तुम्हारे फ्रेंड्स का फोन आ गया, नीचे वेट कर रहे होंगे, जाओ चलो। ओके बाय बाय। अब हम चलते हैं, सारे नीचे आ गए हैं और हम सारे जा रहे हैं नीचे। फोन आ रहा, सब हो गए हैं तैयार। ओ माय गॉड, ये फोन है भाई, ये फोन है। हाय हाय, देख रहे हो? उधर हो भाई, हाय, ये देखो मेरा भाई, मेरा भाई मिला है, ले ला, ये तो ले ले। हाय, क्या है? हाय, हेलो, मुझे भी चला लो, हेलो हेलो। अब हम सब जा रहे हैं गुरुद्वारे, तुम्हारे ब्लॉग क्या बोलते हैं, वाहे गुरु, वाहे गुरु बोलो सब, वाहे गुरु, वाहे गुरु, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मैं अपने बच्चे को तो भूल गई, अरे वाह, हेलो बोलो, हेलो, ये वही है पुष्पा, पुष्पा राज,
अब बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। आज सर मारा है, चलिए फोटो ले रहे हैं। भैया सारे के सारे आ गए यहाँ पे, दो लोग हैं जो अभी तक नहीं आए, बहुत वेट करवा रहे हैं ये सब, और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब सारे आ गए हैं, ये बहुत लेट आई है, सौरभ लूंगी सभी, इनको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा तू गाइस, ये भी बहुत लेट आई है, दोनों दोनों बहुत लेट आई, चलो चले बाय गुरु की, आ जाओ बहुत अच्छा लगता है जब सारे जाते हैं। आज हम फर्स्ट टाइम सारे के सारे जा रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। हमारे पास में ही गुरुद्वारा है, हम वहीं जा रहे हैं, तो आपको वहाँ आप चल के दिखाएंगे, पूरे रास्ते मस्ती करेंगे। यही मजा आता है जब सब साथ में होते हैं ना, और भी मजा आता है ऐसे जाने में ना, उसकी बात ही अलग होती है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हम जो बोले सो आगे हमारे रास्ते तो आ गए हैं। अब आधी मार्केट कवर कर ली हमने, सारे पीछे हैं, आगे आगे हैं, वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है, पीछे पीछे सारे हैं, तनु मेरे पीछे पीछे आ रही है। मंदिर है हमारे यहाँ का, ये ना मनोकामना मंदिर, हाथ जोड़ लेते हैं यार, थोड़ा सा दूर और है क्या, बस पैदल का रास्ता हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम पैदल पैदल आ गए। चला बस वहाँ पर सामने ही है, बच्चे आगे गए हैं, हम सारे यहाँ पर हैं, फाइनली हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारे, चले चलो। मोबाइल को मना तो नहीं करेंगे ना, पता नहीं है किधर गए हैं, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक देख लेते हैं ना, अंदर हो सकता है, यहाँ पे चप्पल रखने का है, कितना शांति मिलते ना यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है, बेशक गर्मी है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही ना ऐसे, अंदर ही है और इतना सही लग रहा है, हवा भी लग रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पर है हैंड वॉश करेंगे, यहाँ पे जब वहाँ पे चप्पल रखी है, यहाँ पे हैंड वॉश कर रहे हैं, फिर अंदर जाएंगे। सर पे ओढ़ लेते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा में कहते हैं कि सर पे एक तरह से रिस्पेक्ट करना होता है। अब अंदर एंट्री करेंगे, बहुत धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा, ये रहा पानी, यहाँ से पैरों को गीला करो और फिर अंदर हम दो बार गए हैं, वहाँ पर देख रहे हैं, देख रहे हैं बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें का नहीं हो, हाँ यहाँ अंदर भी होकर आ गए, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब है जो रखी हुई है, हाँ पेंसिल की लड़का पानी, अब सही है, अब हम जाएंगे अब लंगर, छोटे गुरुद्वारे, सॉरी भगवान ज्यादा भूख लगी है, नहीं नहीं भूख नहीं लगी, मैं तो ऐसी कह रही, अब एक और गुरुद्वारे को, गुरु ग्रंथ साहिब है जो पवित्र पुस्तक है, हो रखी है यहाँ पे, प्रसाद मिला है, ये नहीं है ना,
यहाँ पर भी मत्था टेकते हैं। ये पूरा बहुत ऊंचा बना हुआ है। मम्मी मेरे सारी जगह होके आ गए हैं। ये मेन गुरुद्वारा है यहाँ का, हमारे यहाँ का। चलो बेटा आओ, आजा। अब हम चलेंगे लंगर खाने। लंगर खाने। ये लंगर हॉल है, ये पूरा लंगर हॉल। आज मैं फर्स्ट टाइम आई यहाँ पर लंगर खाने। ये हमारी प्लेट आ गई है, ये भी यहाँ बैठा है। हमारा प्रसाद, काले चने और रोटी, साथ में चावल भी है। और यहाँ पे सरसों खाना खा रहे हो? हैं? क्या खा रहे हो आप? वाओ, दाल मखनी। दाल मखनी नहीं, काले चने। और यहाँ पे ये भी खा रहे हैं ना, अभी अच्छे लग रहे हैं। लंगर हम खाकर आ गए हैं और इतना अच्छा लगा, मजा आ गया। तो सब बोलो मिलके वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अब हम लंगर से बाहर आ गए हैं, खा पी के हमने पेट भर लिया अपना। प्रसाद बहुत अच्छा था। हे वाहे गुरु, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। सबसे ज्यादा इन्होंने खाया है, इतनी देर तक बैठी रही खाना। मैंने अपने बेटे से बोला कि उतना ही लियो जितना खा ले, उसने खाया ले लिया लेकिन खाया नहीं उसने, फिर सारा मुझे खाना पड़ा, तो मेरा ज्यादा ओवरडोज हो गया। ये सारे उठ गए थे, ये सब उठ गए थे, ये सब उठ गए थे। मैं बैठी रही थी वहाँ पे, मैं और सुनीता, क्योंकि हम दोनों के बच्चे छोटे हैं। ये कह रही इन दोनों ने सबसे ज्यादा खाया है, मगर हम दोनों के बच्चों ने लिया लेकिन खाया नहीं, तो जबरदस्ती खाना पड़ा यार, हमारा डबल डोज हो गया। अब हम जाएंगे पार्क। हाँ, अब यहाँ पर आते रहेंगे हम, बहुत अच्छा लगा हमें खाने। नहीं, भगवान जी से मिलने, समझे ना, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा बहुत मजाक उड़ा रही है, मजाक ही बताऊंगी मैं। हाँ तो क्या हो, मैं 10 रोटी फालतू खाई है। ये बहुत पता नहीं कर पाए। चलो अब हम निकल लिए हैं गुरुद्वारे से घर के लिए। अब हमने खाना तो खा लिया, पचाना भी जरूरी है। सैतूत खाएंगे, सैतूत खाएंगे। अब हम मैं उस जगह लेके जाऊंगी। ये लेडीज सैतूत की बहुत भूखी है। मैं लेडीज खाऊं? मैं थैले लेकर आई हूँ। अभी हम पार्क में जा रहे हैं, जिस पार्क में जा रहे हैं ना, उस पार्क में दिखाते हैं। इतने सारे सैतूत पड़े हुए वहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आएगा खाने में। हम वहाँ पे बंदर बन जाएंगे, बंदर। सॉरी बंदरिया। बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी के मारे, हालत बेहाल है। लेकिन ऐसी जगह पर जब आते हैं तो और भी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। ये तो मना कर रही थी, धूप भी कम हो जाती है कुदरती। ये मना कर रही थी, मगर नहीं चलते सारे साथ में, तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर आ गए हैं अपने पार्क में। ये पार्क है पूरा की पूरा। कहाँ है, कहाँ वो? मैं इन सबको लेकर आई हूँ, मगर आज मैं ना सैतूत खिलाती हूँ ताजे ताजे। आ जाओ। चार दिन पहले आई थी मैं इनके साथ में, तो हमने तोड़ के लेके गई थी, पॉलीथीन लाई थी, लेकिन आज मैं पॉलीथीन लाई हूँ। ये रही मेरी पॉलीथीन। बहुत सारे बिखरे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, कितने सारे हैं, देखो मेरे तो सारे। ये रहा इसका पेड़। फाइनली हम पहुँच रहे हैं अपने सैतूत के पेड़ के पास। अब इसको तोड़ेगा कौन, कौन तोड़ेगा? यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा इस वाली में पेड़ में उतार लिया। लो, इस वाली में बहुत ज्यादा है।
पकड़ो, मैं पकड़ दूँ, मुझे रुक जाओ, तुम इसे पकड़ो, बस तुम बनाओ। रेनी दीदी काफी कोशिश कर रही है तोड़ने की पर नाकाम है। मिस्टी सही कर रही थी, उसको दो मिस्टी का। मैं करूं? अरे सर पे मार दी डंडी मेरे। अटकाओ डंडी, अटकाओ डंडी, बीचो बीच हंसाओ भाई। अरे मार मत दो डंडी को। अरे ऐसे मिस्टी कर कोशिश कर रही है इसको नीचे करने की, लेकिन हो नहीं रहा अच्छी तरीके से। सारे की सारे कोशिश कर रहे हैं, तो जाएगी अच्छी तरीके से। ओ गिर गई, ये तुम तोड़ देना, मैं इसको तोड़ दूंगा। मैं कभी तो नहीं जा के इसको करूंगा, मारो। मैंने झूना है उधर, ये दांत है मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, बहुत सारे गिरे। लखली में डाल, ये रहा एक, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ मेरे को मिल रहा है। अरे वहाँ पर तो बिल्कुल साबुत है, जब ये तो बोल रहे और ये भी तो पेट से है। हाँ वो है, मेरी फ्रेंड मेरा कितना साथ दे रही है। हटाओ, चलो 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 साक्षात। ये वहाँ पे ही पहुँच गए इतनी जल्दी, बच्चे वो बाप से पहले वहीं पे पहुँचे हुए थे। बेटा सेट हमने ले लिया है, अभी इतने मिल गया है कि हमारा मन थोड़ा सा मस्त हो जाएगा। हमने बहुत सारी चीज ले ली अपने लिए, अब चलते हैं घर, आएंगे शाम को। शाम को नहीं, कल कल परसों आएंगे ना। और ये भी है क्या? इसे तो कुछ नहीं है, ले लूं। हाँ सुबह सुबह ये वाली एक्सरसाइज करने आएंगे यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे बिल्कुल खाली जाता है ये, है ना? हाँ अच्छा पार्क है ना, बिल्कुल सुबह सुबह यही शांत रहता है ये। एक्सरसाइज करने 8 बजे के करीब। क्या हुआ बेटा? ओह माय गॉड, क्या कौन सा झूला था बता? सारे ऐसे थक गए हैं जैसे पता नहीं कौन सा काम करके आए, वो तो काम कुछ कराने के थक गए हैं। आए थे बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी, डाउन हो गई है बैटरी, बैटरी हो गई आते ही। अब बस घर जा रहे हैं। किसने? हाँ मैं ही सब कुछ कराती हूँ, मेरे ही काम है सब करा रहे हैं। ये ना खाया पिया पचा दीजिए। अभी और डाइजेस्ट हो गया। हाँ ये बात है वैसे, आधे आधे लोग आगे हैं आधे पीछे हैं, सब ऐसे जा रहे हैं जैसे वैष्णो देवी की यात्रा करके आ रहे हैं। फाइनली हम अपने घर आ गए हैं, अब सबके चेहरे लाल लाल हुए पड़े हैं, लाल गाल लाल हुए पड़े हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, पेट भरा हुआ है, बस ऐसे ही हो रहा है। अब सब अपने अपने घर जाएंगे, नहीं मैं तो जा रही हूँ। नहीं मैं आ रही हूँ। ये देख बच्चे तो पहले आ गए यहाँ पे भाई। फाइनली हम आ चुके हैं। हाँ लंगर फाइनली हमने लंगर फिनिश कर दिया है, खाकर फाइनली हमने डाइजेस्ट भी कर दिया है। सारा खाना डाल के सारा डाइजेस्ट करा लिया होगा। सोएंगी बहुत देर बस वही सोएंगी, हम क्या करेंगे? हम तो भूत है। हाँ हम भूत है, सोएंगी बस। हाँ मैं तो सोएंगी, नहीं सोएंगी, सोएंगी बस। बड़ी सुंदर लगती है दीदी, आँखों में काजल बहुत प्यारी है और इनके लिए।
अमरनाथ खाने के लिए चलो ठीक है ओके रितु रह गई रितु की तो तारीफ नहीं करी तुमने है बहुत अच्छी वाली और इसके लिए गाना डेडिकेट करो गाना बताओ जल्दी जल्दी दोस्ती हम नहीं भूलेंगे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ये अभी ये सारे इस साइड के बाय ये सारे इस साइड के और हम बस हम हैं इस साइड के डॉगी भोग रहा है यहाँ पे ओ माय गॉड ए मिस्टी पागला पहुंच गए अपने घर शहतूत को रखती हूँ अंदर फाइनली आ गए हम घर और बहुत थक गए हैं अब मैं गिर गई अब पानी पियेंगे हम तो अभी ए भी कह रहा है मम्मी मेरे को दे दो पापा जी तो अभी सो रहे ठंडा करके खाएंगे तो दो चार ए भी खा रहा है अभी तो ये शहतूत है जो हम लेकर आए हैं अभी लेकर के आए हैं तोड़ के लाए हैं अभी तो इसको काले नमक के साथ खाएंगे ये भी खा के बताया कैसा लग रहा है खट्टा है खट्टा नहीं है काला नमक से खाया ना इसने हाँ ज्यादा डाल दिया आपने ये तो बड़ा मीठा है ये तो बड़ा मीठा है इसके दांत भी काले हो गए जीभ भी काली हो गई लिप्स भी काली बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया बहुत इंजॉय करा हम सब ने आज के लिए बस इतना ही आपके ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग